अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नेशनल सेविंग सेंटर के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में प्रॉफिट रेट्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी भी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये खबर जारी हो गई है कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान शरह सूद को 22% से बढ़ाकर 25% कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 14 सितंबर 2023 को जो नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी होने जा रही है, उसमें कई इम्कान मौजूद है कि शरह सूद को 22% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इसलिए ये खबर मौजूद है कि इंटरेस्ट रेट को 22% से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। तीन शरह सूद में इजाफे का एक मतलब ये भी होता है कि मुल्क में महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी। कारोबारी हजरात को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने कौमी बचत बैंक से कर्ज़ा लेकर कारोबार किया होता है, जिसकी वजह को ज़्यादा सूद अदा करना पड़ता है और इस तरह मुल्क में मज़ीद महंगाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कौमी बचत बैंक के सार्फीन के लिए ये एक खुशखबरी होती है, क्योंकि जैसे ही शरह सूद में इजाफा किया जाता है तो कौमी बचत बैंक अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स के प्रॉफिट रेट में इजाफा कर देता है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना कौमी बचत बैंक के किसी भी सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स के प्रॉफिट रेट पर डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है। जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो कौमी बचत बैंक भी अपने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स के प्रॉफिट रेट में इजाफे का पाबंद होता है। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कौमी बचत बैंक अपने अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट को उसी लिहाज से बढ़ाता है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कौमी बचत बैंक अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट को कम कर देता है। अब जबकि नई मॉनेटरी पॉलिसी को जो कि 14 सितंबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेश की जा रही है, मुताबिक इंटरेस्ट रेट में 300 बेस पॉइंट का इजाफे किया जाएगा, तो इसी लिहाज से कौमी बचत बैंक भी अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इजाफा करेगा। इस हवाले से देखा जाए तो कौमी बचत बैंक अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में 100 से 200 बेस पॉइंट का इजाफा करेगा। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी को देख दिया जाए तो उसके फौरन बाद जो है कौमी बचत बैंक के चंद अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में चेंज किया गया था। ये तवक्को की जा रही है कि कौमी बचत बैंक के वो सर्टिफिकेट्स और अकाउंट जिनके लास्ट टाइम प्रॉफिट रेट रिवाइज नहीं किए गए थे, उनके अब प्रॉफिट रेट चेंज किए जाएंगे, यानी उनमें इजाफा किया जाएगा, और उन सर्टिफिकेट्स में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोधा वेलफेयर अकाउंट शामिल हैं। की जा रही है कि इन सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इजाफा किया जाएगा, और जो कि 100 से 200 बेस पॉइंट का होगा। ये थी इन्फॉर्मेशन कौमी बचत बैंक के मुख्तलिफ अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट के हवाले से, और मजीद भी इस तरह की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। आज की वीडियो यहाँ पर खत्म हुई, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।